कि बरकत देन वाला परमेश्वर, बरकत देन वाला परमेश्वर। खुदा का धन्यवाद करते हाँ, खुदा ने सुबह तो लैके हूं तक संभाल के रखा है, वचन सिखाने वास्ते तुहाडे विच मौजूद किया है, सारे नूं प्यार करी जैसे जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए वचन विच जावांगे, व्यवस्था सार पहला अध्याय उदी दस आस पढ़ा। यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने तुहानूं वधाया है, अते वेखो अज दे दिन तुसी आकाश दे तारे जिन्ने हो। यहोवा तुहाडे प्यो दादा दा परमेश्वर तुहानूं हजार गुणा वधावे अते तुहानूं बरकत देवे जिवें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दे कलाम दे विच लिख्या कि जिस समय परमेश्वर का दास मूसा इसराइलियों नूं उजाड़ दे विच सिखाउण तों पहला की कर रहा सी, उन्हां नूं वचन दे विचों गलबात कर रहा सी और कह रहा सी कि उस परमेश्वर ने तुहानूं किन्ना वधाया, बहुत ज्यादा अंदर तारियां तों वध तुहाडी की हो चुकी है, गिनती हो चुकी है। और जो असीं कूश दी किताब दा पहला अध्याय पढ़ते हाँ, वो पढ़ के देखिए कूश दी किताब पहला अध्याय दी पहली आयत पढ़ेंगे। हुण इसराइल दे पुत्रां दे नाम जिहड़े मिस्र विच हन, एक एक जना आपो अपने टब्बर नाल यकूब दे संग आए सो ए हन। और कलाम दे विच लिख्या कि जिस समय इसराइल के पुत्र जकूब के किन्ने पुत्र सन, 12 पुत्र सन, और वो रोपर लैके किथे आए सन, कला कला उसका पुत्र किथे आए से, जकूब के नाम मिस्र के विच आए सन। पढ़ांगे अगे, रूबेन शिमयोन लेवी यहूदा यिसाकार यबूलून बिन्यामीन दान नफ्ताली गाद आदि आशेर, इहो ए सारे प्राणी जिहड़े यकूब दे अंश तों निकले सन, 70 प्राणी सन। हालेलुया। और कलाम दे विच लिख्या कि जकूब दे जिहड़े मुंडे सन ओह मिस्र दे विच आए सन अपने परिवार समेत, और ये सारे 70 जने सन। और इतने परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है कि परमेश्वर ने तुहानू किन्ना वधाया, किन्नी बरकत दित्ती है, किन्ना तुहानू आशीष कीता है। इत्थों तक कि उस परमेश्वर ने जिन्हें आकाश दे विच तारे हन इन्ना परमेश्वर ने तुहानू वधाया। कितने मिस्र दे विच उस 70 जने आए सन ते हुण अगे पढ़ांगे किन्ने हो चुके सन, पढ़ांगे। अते यूसुफ मिस्र विच ही सी, और जरा जकूब दा बेटा यूसुफ सी ओ मिस्र दे विच सी। यूसुफ अते उस दे भरा अते ओ दी सारी पीढ़ी मर चुकी सी, पर इसराइली फले अते ओना दे दरा दे दल हो गए। हालेलुया हालेलुया। बेशक यूसुफ दे भरा दी फैमिली खत्म हो चुकी सी, पर जिहड़ी अगे उन्हां दे अंश सी ओह दलां दे दल अनगिनत हो चुके सन। इन्ना परमेश्वर ने उन्हां नूं फलवंत कीता, इन्ना परमेश्वर ने उन्हां नूं वधाया। और वचन दे विच लिख्या व्यवस्था सार दे विच कि ओह परमेश्वर तुहानूं हजार गुणा वधाउंदा वा, हजार गुणा वधाउण वाला परमेश्वर है। ਇੰਨਾ ਆਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ,
धन फलवंत करना शुरू कर दिता, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। असी थोड़ा सोचा हुंदा, जिन्नी क साडी सोच उन्ना के असी सोचते, असी थोड़ा सोचते हैं। पर वचन में लिखा कि वह हजार गुना वधाउण वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में पढ़ांगे जिस समय में इसाक ने अपने बेटे नूं आसीस दित्ती ते उन्नू की किया, पढ़ांगे वचन दे विचों। उत्पत्ति दी किताब 28 बाब दी पहली आयत पढ़ांगे। इसहाक ने यकूब नूं बुलाया और कलाम दे विच लिखिया कि इसहाक ने अपने बेटे यकूब नूं बुलाया और उसनूं बरकत दित्ती और उसनूं की दित्ती बरकत दित्ती और ए आके उसनूं हुक्म दित्ता और ए आके उसनूं हुक्म दित्ता तू कनानियां दीआं तीआं विचों तीवी ना करी और उन्हें कहा कि तू कनानियां दी तीवियां विचों तीवी ना करी। उन्हें गैर जातियां दे विचों उन्हूं मना कीता सी कि उत्थों दी कोई तीवी ना व्याही। हां जी, उठ बदल आराम नूं अपने नाने बथुएल दे घर जा और कलाम दे विच लिखिया कि उन्हें कहा कि अपने मामे दे कोल जा। हां जी, और उत्थे अपने मामे लाबान दीआं तीआं विचों एक अपने लई तीवी ब्याह लई और कलाम दे विच लिखिया कि वह अपने मामे दे कोल गया बथुएल दे कोल और उहदीआं तीआं दे विचों एक तीवी दे नाल उन्हें की कीता उस समय ब्याह कीता। हां जी, अते सर्व शक्तिमान परमेश्वर तेनू बरकत देवे और तेनू फलवंत बनावे और तेनू वधावे और तू बहुतियां कौमां दा दल होवे। हालेलुया। इह बरकत जिहड़ी सी इसहाक वल्लों सी अपने बेटे नूं कि ओ परमेश्वर तेनू की करे फलवंत करे, तेनू वधावे, तेनू दलां दे दलां दा की बनावे, पिता बनावे। हालेलुया। असि कूच विच पा रहे हैं कि जिस समय याकूब अपने पुत्रां नूं लै के मिस्र दे विच आया तो किदां वधे, दलां दे दल वध गए, इन्ना परमेश्वर ने उन्हां नूं वधाया। हालेलुया। वेखो मां प्यो दी जिहड़ी आसीस आ उह वी बच्चिआं नूं लगदी आ। मां प्यो दा आशीर्वाद भी बच्चिआं नूं की करदा, फलवंत करदा, वधाउंदा, आसीस करदा वा। इत्थे परमेश्वर दे दास ने इसहाक ने अपने बेटे नूं आसीस दित्ती आ। और दूसरी जगह जदों असीं पढ़दे हां इहदी 28 दी 10 आयत नूं पढ़दे हां ते इत्थे परमेश्वर ने उहनूं बरकत दित्ती आ। पढ़ांगे, यकूब ए सभा तो चल के हरान नो गया और कलाम दे विच लिखिया कि जो यकूब सी ओ सफर कर रहा सी और बेर सभा तो चल के किथे जा रहा सी, हरान देश नु जा रहा सी। हां जी, अते एक थां ते अपड़िया और एक जगह ते उपे उपड़िया और उथे रात कटी और उस जगह ने रात कटी क्यों जो सूरज डूब गया सी और उस जगह ते की उस चुका सी, हनेरा हो चुका सी, सूरज डूब चुका सी। हां जी, हर एक पत्थर उस थां तो लेके अपने सराहने रख लिया और उस थां ते लेट गया। हालेलुया। और कलाम दे विच लिखिया कि जिस समय उस जगह ते हनेरा हो गया उन्हें उत्थे की लिया एक पत्थर लिया सराहना बना लिया और सिर रख के सौ गया और परमेश्वर ने उन्हें सुफने दे विच भी दित्ती बरकत दित्ती। हालेलुया। अगर तुसी प्रार्थना करन वाले हो, परमेश्वर दे वचन नूं पढ़न वाले हो, फास्टिंग करन वाले हो ते परमेश्वर तुहाडे नाल सुपने दे विच भी गल्लबात करेगा, सुपने दे विच भी तुहाडी रुकी हुई बरकत तुहानूं मिलेगी, रुकी हुई आस तुहानूं सुपने विच भी मिल सकदी है। और कलाम दे विच लिखिया गया कि परमेश्वर ने उन्हें सुपने दे विच दर्शन दित्ता और उन्हें बरकत दित्ती। पढ़ांगे, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ
और उसकी छोटी आकाश दिख सी। हालेलुया। और उसकी ऊंचाई कितनी सी? आकाश दिख सी। यानी कि पौड़ी एक मंजिल नु प्रकट कर दिया, एक वादे नु प्रकट कर दिया, एक ऊंचाई नु प्रकट कर दिया, एक ग्रोथ नु, एक तरक्की नु प्रकट कर दिया। और जिस समय पौड़ी नु स्वर्ग विच लगे हुए देख रहा और पौड़ी ते स्वर्ग दूत उतर रहे ने, चढ़ रहे ने, वो देख रहा है। हालेलुया। हां जी। और वेखो परमेश्वर दे दूत ओदे उते चढ़दे उतरदे सन, और वेखो यहोवा दे यहोवा उसदे कोल खलोता सी, और उसनु आख्या, मैं यहोवा तेरे पिता अब्राहम दा परमेश्वर हाँ, और इसहाक दा परमेश्वर हाँ, जिस दिन जिस धरती उते तू पिया है मैं तेनू और तेरी इस तेरी अंश नु दे दियांगा। हालेलुया। वेखो सुपने दे विच परमेश्वर ने उनु आशीष कीता कि स्वर्ग विच पौड़ी नदी देख रहा, स्वर्ग तो दूत उतर रहे ने, चढ़ रहे ने, और उस पौड़ी के नजदीक परमेश्वर यहोवा खड़ा होया, और परमेश्वर उहदे नाल गलबात कर रहा कि जिस धरती ते तू इस समय लेटिया होया वा, इस धरती ते मैं बरकत दे रूप विच देना वा। हालेलुया। ओ परमेश्वर बताउन वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला परमेश्वर, अगर तुसी परमेश्वर दे नाल वफादारी नाल चलदे हो, प्रार्थना विच चलदे हो, ओदी हजूरी विच अपनी प्रेयर दा एक टाइम एक विशा बना के रखदे हो, लगातार कंटीन्यूअस अपना रिश्ता परमेश्वर दे नाल जोड़दे हो, ते ओ परमेश्वर तुहानू वधाउणा शुरू कर दिंदा हो। अगर तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਆਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਿਸ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, और परमेश्वर उसे ना गलबात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसी इंसान ना गलबात करता जो परमेश्वर का डर पैर रखता है, जो परमेश्वर के हुक्मान मानता, परमेश्वर की हजूरी नु मिस नहीं करता, परमेश्वर के डर में चलता, परमेश्वर के नाल अपना रिलेशन बना के रखता, परमेश्वर उसे ना की करता, सुपने विच भी गलबात करता। हालेलुया। पढ़ेंगे। ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੂੜ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर असि परमेश्वर मनन वाले हैं तो परमेश्वर निराश नहीं करता, वो परमेश्वर बरकत देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बरकत उन्हें दी कि तेरी जी अंश मिट्टी की धूड़ वांगू होगी। हाँ जी जी। और तू लहंदे और चढ़दे और उत्तर और दक्षिण वाल फुट निकलेंगे, और तेतू और तेरी अंश तो पृथ्वी के सारे टब्बर बरकत पाएंगे। हालेलुया। और उन्हें क्या कि तू पूर्व उत्तर दक्षिण जिधर भी तू जाएगा तू आशीष होएगा, यानी कि ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और तेतों की होंगे बहुत सारे घराने की कौन के बरकत आशीष पाएंगे। हालेलुया।
अज अस क्यों मुश्किलों में परेशानियों में क्यों गरीबी के क्यों बीमारियों के क्योंकि असं परमेश्वर के वचना से भरोसा नहीं कर रहे असं इन्हों वचना गहराई के नाल नहीं पढ़ते कि वचन सानू वधन वास्ते दिते गए ने यह वचन सानू आसीस होने वास्ते दिते गए ने क्यों परमेश्वर ने इसहाक के बेटे याकूब नू कहा कि मैं तेरी अंसा नू रेत की धूड़ वांगू मिट्टी की धूड़ वांगू वधावांगा उन्हां विच असीं वी आं क्यों परमेश्वर दे धीआं पुत्तरां सी उहदे बेटे बेटियां ते जिस तरह परमेश्वर ने उन्हां नू वधाया उह परमेश्वर सानू वी वधाउण दी सामर्थ रखदा वा हालेलुया उही वादे परमेश्वर ने साडे नाल वी कीते होए ने ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਾਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਦੂਸਰੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੇ ਤੇਰੀ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਅਰ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ
याकूब अपने नींदर तो जागया और आख्या सचमुच यहोवा इस स्थान विच है। हालेलुया। और कलाम दे विच लिखा के परमेश्वर ने कहा कि मैं जिन्ना चिर तेरे नाल वादा पूरा नहीं करांगा तेनू नहीं छड्डांगा। अज कई बारी कई भाई भैन की कर दिंदे ने वो अपने विश्वास नूं साड़ दिंदे ने कि शायद परमेश्वर ने मैनूं आसिस करना ही नहीं है, शायद परमेश्वर ने मैनूं बरकत देनी नहीं है। और वचन कह रहा है कि वह परमेश्वर छड्डन वाला परमेश्वर नहीं है, वो हर समय साथ देन वाला परमेश्वर है, हर समय तुहाडे नाल रहण वाला परमेश्वर है, हर मुसीबत दे विचों तुहानूं कढ़न वाला परमेश्वर है। और कहता जिन्ना चिर मैं तेरे नाल वादा नहीं पूरा कर दिंदा, तेनू वधा नहीं दिंदा, तेनू आसिस नहीं कर दिंदा, तेरी ग्रोथ नूं तेरी तरक्की नूं मैं कर नहीं दिंदा, उन्ना चिर मैं तेनू नहीं छड्डांगा। हालेलुया। और वचन विच लिखा कि जकूब नींद तो जाग्या और उन्हें क्या कि सचमुच ये जगह जड़ी आ पवित्र आ, और उन्हें उस पत्थर नु लिया और उस पत्थर नु क्या कि इत्थे मैं परमेश्वर दा घर बनावांगा, और उन्हें नाल ही वादा किया कि मैं अपनी कमाई का दसवां हिस्सा परमेश्वर दे कम्मां दे लई कढ़ांगा। पढ़ांगे फिर पर मैं ना जाता अति उस पै खा के आख्या ए स्थान किड्डा भयानक है, और उन्हें आख्या कि ए स्थान किन्ना भयानक है, परमेश्वर दे घर दे बिना ए होर स्थान नहीं है, और उन्हें क्या कि परमेश्वर दे घर तो बिना ए होर स्थान नहीं है, हांजी सगो ए ता आकाश दी ड्योढ़ी है, और उन्हें क्या कि ए आकाश दी ड्योढ़ी है। याकूब सवेरे उठया और याकूब सवेरे उठया पर उस पत्थर नु लै के आ लेके जेड़ा उसके सराने ले रखिया सी थाम ले खड़ा कीता और उस उत्ते तेल डोलिया और उस स्थान का नाम बैतेल रखिया, पर पहला उस नगर का नाम लूज है सी। याकूब ने ए आके सुखना सुखी पर जे यहोवा परमेश्वर मेरे अंग संग होवे और इस मार्ग विच जिस विच मैं तुरिया जाना हाँ मेरी राखी करे, अरे खान नूं प्रशादी अर पाउ नूं वस्त्र मैनूं देवे, अते मैं शांति नाल अपने पिता दे घर नूं मुड़ा तां यहोवा मेरा परमेश्वर होवेगा, अते इह पत्थर जिस नूं मैं थाम खड़ा कीता परमेश्वर दा घर होवेगा, अर सारियां चीजां दा जो तू मैनूं देवेगा मैं तेनूं दसवंध देवांगा। हालेलुया। वेखो परमेश्वर दी दास याकूब ने की कर लिया, उसने वादा कर लिया परमेश्वर नाल, परमेश्वर ने उन्हें सुपने च बरकत दित्ती, तो उन्हें भी सवेरे जो जागया तो उन्हें परमेश्वर दे नाल वादा किया कि अगर परमेश्वर मेरे अंग संग होवे जिथे मैं सफर दे विच जा रहा हाँ मेरी मदद करे मेरी हैल्प करे मैनू खाने रोटी पहनने कपड़ा और रहन नूं स्थान दवे और मैं अपनी कमाई दे विचों की करांगा अपना दसवां हिस्सा सारिया चीजा का क्या सारिया खाने वाली चीजा का भी की करांगा दसवां हिस्सा करांगा। हालेलुया। ते तुसी वेख्या ही है जदों मिस्र दे विच आया अपने बच्चों के नाल ते किन्ना परमेश्वर ने उन्हें वधाया किन्ना उन्हें आसिस किया इन्ना वधा दिता कि वह दलों के दल हो गए अनगिनत हो गए। और इत्थे मूसा कह रहा व्यवस्था सार दे विच एक दी दस आस विच कि वेखो उस परमेश्वर ने तुहानूं किन्ना वधाया है जिन्हें आकाश दे विच तारे हन इन्ना परमेश्वर ने तुहानूं अनगिनत वधा दिता है। और नाल ही की कह रहा कि वह परमेश्वर तुहानूं हजार गुणा बरकत देवे कि जो तुहाडा प्यो दादियां दा परमेश्वर तुहानूं हजार गुणा वधावे ते तुहानूं बरकत देवे। हालेलुया। 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 अज जो परमेश्वर तुहानूं वधाउणा शुरू करे तुहानूं बरकत देना शुरू करे जिस तरह उन्हें याकूब नूं वधाया अब्राहम नूं वधाया अज परमेश्वर तुहानूं हर खेत्र विच वधाउणा शुरू करे।
आइए सब अपने पैरों पर खड़े होवांगे कि परमेश्वर वधाउण वाला परमेश्वर है, वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। अड़े और खड़े होकर चलन की जरूरत है, अपने विश्वास भरोसे बनाने की जरूरत है। वो परमेश्वर थोड़े जीवन बनाना चाहता, थोड़े घर बनाना चाहता, थोड़िया जिंदगी बनाना चाहता, थोड़ा हर खेत्र अंशा वधाना चाहता है।